आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड का बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी जो बच्चों से लेके बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हमने दो आलू को उबाल कर इसे मैश कर लिया है। अब इसे बोल में डालेंगे और इसे टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक चीज क्यूब को ग्रेट करेंगे और इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, एक प्याज बारीक काट के डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका चटपटा आलू का डो तैयार करके इसे अलग रखेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस को कटोरी की हेल्प से गोल गोल कट कर लेंगे। लीजिए, हमने सभी को गोल गोल कट कर लिया है। अब ब्रेड स्लाइसेस पर अमूल बटर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उसके बाद जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था वो भी सभी ब्रेड स्लाइसेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दूसरी वाली ब्रेड स्लाइसेस से इसे कवर करेंगे। अब गैस पर पैन गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें अमूल बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जो हमने सैंडविच तैयार किया था वो रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। फिर दूसरी साइड भी अमूल बटर लगाकर इसे सेक लेंगे और फिर गैस की फ्लेम बंद करके इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और उसे खूबसूरत बनाने के लिए इसमें बीच में से कट करेंगे। कॉर्नर पर शेजवान सॉस यहाँ हम लगा रहे हैं, आप इसकी जगह टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर जो भी आपके बच्चों को नमकीन पसंद है जैसे भुजिया सेब वो लगाकर उन्हें सर्व करें। आप बच्चों को इसे लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।